छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बल के जवानों को लगातार सफलता मिल रही है। बस्तर आईजी के नेतृत्व में चलाए जा रहे समर्पण नीति का स्थानीय नक्सली लाभ ले रहे हैं और इसके तहत ही आज सुकमा जिले में नक्सली पति पत्नी सहित 6 नक्सलियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया है। जानकारी के मुताबिक इन सभी पर 24 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पित नक्सली दंपति पर 10 लाख का इनाम घोषित था जबकि बाकी सभी हार्डकोर नक्सलियों की लिस्ट में शामिल थे। ऐसे में इनका सरेंडर करना पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है। साथ ही समर्पण करने आए सभी नक्सलियों को छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से दी जाने वाली 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दे दी गई। पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा जो नक्सल निर्मूलन अभियान सुकमा जिले में चला जा रहा है उससे प्रभावित होकर 6 नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण किया है। 6 जो नक्सली है उनमें एक नक्सल दंपति है जिनपे 5-5 लाख रुपए का इनाम है। उसके अलावा 2 पुरुष नक्सली है जिनपे 5 लाख रुपए का इनाम है। इसके अलावा अनेक महिला है और अनेक पुरुष है जिनपे 2 लाख का इनाम है। टोटल 24 लाख रुपए का इनाम है। ये सभी जो नक्सली है ACM रैंक के हैं और उसके अलावा जो CCM सुजाता, CCM सुदर्शन, ऐसे बड़े बड़े जो CCM हैं उनके गार्ड ऑपरेटर रहे हैं। जो कमला महिला नक्सली जो है वो सिलगेर एलओएस कमांडर रही है। कुछ नक्सली पामेड़ एरिया कमेटी के हैं, कुछ नक्सली किश्तराम एरिया कमेटी है। डिप्टी कमांडर तक रैंक के नक्सली इस समर्पण में शामिल हुए हैं। मैं सभी नक्सलियों से ये अपील करूंगा कि जल्दी से जल्दी आत्मसमर्पण कर शासन की जो जन कल्याणकारी योजना है उसका लाभ लीजिए और नक्सलवाद का रास्ता छोड़िए।